गुड मॉर्निंग भाईस, मैं पूजा सिंह अनुस्मम ब्लॉग में आपका स्वागत कर रही हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं 9। और अभी मेरे घर की क्लीनिंग चल रही है। अभी मेरी हेल्पर आई है तो अभी पूरे घर की क्लीनिंग चल रही है, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ और मैं अभी आपके लिए एक हेल्दी सैंडविच बनाने जा रही हूँ जो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, जो हल्का फुल्का है और जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने ब्रेड ले लिया है, इसके बाद मैंने सेजवान चटनी ले ली है, इसके बाद मैंने चाट मसाला ले लिया है, इसके बाद मैंने पेरी पेरी मसाला लिया है, न्यूली लिया हुआ है, और इसके बाद चीज़ लिया हुआ है, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने ब्रेड, वो भी ब्राउन ब्रेड लिया है जो बहुत ही हेल्दी होता है। अब मैं आपको इसको बनाकर दिखाती हूँ। इधर शेजवान चटनी लगाती हूँ अच्छा से, ये देखिए मैंने दोनों में लगा दिया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा तंदूरी सॉस, इसका टेस्ट डालने से बहुत टेस्ट अच्छा हो जाता है, बच्चों को भी पसंद है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। इसके बाद में इसे डालेंगे, ये देखिए मैंने थोड़ा दोनों में डाल दिया है। इसके बाद ये डाल देंगे अच्छा से फैला के, बाद फिर आगे दिखाती हूँ मैं। बाद इसमें हम लोग खीरा डाल देंगे, आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि खीरा वड़ा खाना भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत लोग ज़्यादा करके डालते हैं, कोई नॉर्मली जिन्हें पसंद नहीं है नॉर्मली डालते हैं। ये मैंने डाल दिया है, इसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी, इसके बाद इसमें हम लोग चाट मसाला डालेंगे, देखिए मैंने चाट मसाला डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें मेयोनी डालूंगी, आप चाहे तो इसमें टोमेटो डाल सकते हैं और भी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को नहीं पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसके बाद हम लोग मेयोनी डालेंगे, बाद में इसमें पेरी पेरी, ये देखिए मैं पेरी पेरी डाल रही हूँ, इसके बाद हम लोग इसमें चीज डालेंगे, ये देखिए मैंने चीज डाल दिया है। अब इसके ऊपर ब्रेड डाल के आप तो चाहे तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और चाहे तो मैं सिंपल लाइट तावा गर्म कर चुकी हूँ उसी पे डाल उसको सेक दूँगी। ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दिया है, और चाहे तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे तावा पे डालूँगा, दोनों तरफ से लाइट घी में लगा दे रही हूँ, एक गाय का घी है, बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद मैं इसको हल्का सा सेक के मैं बच्चों को सर्व करूँगी। ये देखिए गर्म गर्म सैंडविच बन गई है, अब तो आप चाहे ऐसे भी बच्चों को दे सकते हैं, नहीं तो हम बीच से इसको कट कर लेंगे। मैंने बीच से कट कर दिया है, बच्चे छोटे होते हैं इसलिए इस तरह उनको खाने में सुविधा होती है। तो अगर ये सैंडविच आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।